बड़ी खबर का रुख करते हैं कोटा के सुकेश से। बड़ी खबर दरअसल नाबालिग से, गैंगरेप प्रकरण के अंदर लापरवाही बरतने वाले एसएचओ को लाइन हाजिर कर दिया गया और एएसआई को निलंबित किया गया। एसएचओ नारायण सिंह लाइन हाजिर हो गए हैं। एएसआई बाबूलाल को सस्पेंड किया गया है। पीड़िता की एफआईआर दर्ज करने में लापरवाही बरती गई थी। एसपी शरद चौधरी ने यह आदेश जारी कर दिया। मेरे सहयोगी भंवर चरण मेरे साथ जुड़ चुके। भंवर, जिस तरीके से नीचे के लेवल पर यानी कि थाना स्तर पर लापरवाही बरती जा रही है, ऊपर के स्तर पर उतनी ही सतर्कता और संवेदनशीलता दिखाई जा रही है। जी बिल्कुल, देखिए इन दोनों ही विरोधाभासी मामलों के दर्शन इस पूरे मामले में विजेंद्र होते हैं इस तरह से, क्योंकि आप देखिए जब पीड़िता पहली दफा इस पूरे मामले की शिकायत लेकर के और मामला दर्ज कराने के लिए थाने में पहुंचती है तो वहां से उसको भगा दिया जाता है, उसकी सुनवाई नहीं होती है। बाद में रामगंज मंडी व्रत के जो डिप्टी एसपी है मनजीत सिंह सक्तावत, उनके हस्तक्षेप के बाद जाकर के मामला दर्ज हो पाता है और जब आरोपी सामूहिक दुष्कर्म के दौरान पीड़िता को झालावाड़ में लेकर के जाते हैं तो झालावाड़ पुलिस भी वहां पीड़िता को पकड़ती है स्थानीय लोगों के होला मचाने पर, लेकिन वहां भी मामले की तफ्तीश किए बिना उसको छोड़ देती है। तो नीचे के स्तर पर इसमें लापरवाही सामने आई है, इसीलिए एसएचओ सुकेत और साथ में एएसआई दोनों को दंडित किया गया है और इस पूरे मामले में विजेंद्र 20 गिरफ्तारियां भी हो चुकी है, लेकिन ये पूरा मामला कहीं तूल पकड़ता नजर आ रहा है। राजस्थान की विधानसभा में लगातार ये मामला गूंज रहा है और आने वाले दिनों में बीजेपी की महिला नेताओं का एक दल भी प्लान कर रहा है सुकेत विजिट करने का और इसीलिए शायद तुरंत फुरत में आदेश जारी हुआ है कि एएसआई को सस्पेंड करने का और एसएचओ सुकेत को लाइन हाजिर करने का। जोरन भंवर, क्या उन सबको भी आरोपी बनाया गया है जिस होटल के अंदर नाबालिग को लेकर जाया गया, जिस घर के अंदर नाबालिग को लेकर जाया गया, उसके मालिक ने यहां तक कहा कि वो भी गंदा काम करना चाहता है, क्या उन सबको भी कटघरे में लेते हुए गिरफ्तार करने की तैयारी है? जी हाँ बिल्कुल, देखिए सुकेत के और साथ में सुकेत कोटा जिले का कस्बा है और साथ में झालावाड़ जिले से ये 20 की 20 गिरफ्तारियां हुई है, इसमें से 4 नाबालिग हैं और बाकी 16 बालिग है, लेकिन पीड़िता का कहना है कि अभी भी कुछ और गिरफ्तारियां होनी रह गई है। पुलिस वैसे इस पूरे मामले में अब बहुत क्विक एक्शन मोड में है और तुरंत फुरत में गिरफ्तारियां हो रही है, लेकिन गैंगरेप होना और उस गैंगरेप में 20 लोगों का गिरफ्तार होना, आप देख सकते हैं कि अपने आप में विजेंद्र कितना बड़ा ये मामला बन चुका है। लेकिन बीजेपी का साफ तौर पे कहना है कि पूरा का पूरा जो सुकेत थाना है वो इस मामले में दंडित किया जाना चाहिए, लाइन हाजिर किया जाना चाहिए और सस्पेंशन की कार्रवाई उन पर होनी चाहिए। तो कुल मिलाकर बिल्कुल, शुक्रिया तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए।